यूपी के जनपद रामपुर कस्बा मिलक में। सावन का महीना लग चुका है। सावन के महीने को शिव का महीना कहा जाता है और श्रृंगार का महीना भी कहा जाता है। हिंदू समुदाय के लोग इस महीने को काफ़ी उत्साह और प्रेम से मनाते हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस सावन के महीने को बहुत ही उत्साह और प्रेम से मनाते हैं। यूपी के ज़्यादातर ज़िलों में हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सावन का महीना मनाते हुए देखा है। वो तरह तरह के रीति रिवाजों से सावन को मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। सावन का महीना है, इस महीने को आप किस तरह से, किस रूप में मनाते आ रहे हैं या मनाते हैं? ये सावन का महीना है, हरा भरा त्यौहार है, इसे बहुत खुशियों से धूमधाम से मनाते हैं। और भी अपने जो अपने होता है सबके परिवारों मतलब रिवाज जो होते हैं वो सारे रिवाज मनाते हैं। आंटी जी, सावन का महीना लग चुका है, कैसा लगता है सावन का महीना आपको? ये सावन का महीना बहुत अच्छा लगता है और इसका हम बहुत दिनों से इंतज़ार करते हैं कब सावन आए। और इन दिनों में बारिश भी होती है, बारिश होती है, सारे पेड़ जो हैं सब हरियाली हरियाली होती है, हर तरफ जहाँ देखो वहाँ हरियाली हरियाली है और सब तरफ ठंडक हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। ये शौक है इसलिए क्योंकि सावन का महीना होता है, बारिश होती है, हरियाली होती है, इसलिए अपने शौक के लिए हरी लाल चूड़ियाँ पहनते हैं और मेहंदी लगाते हैं। इसमें रिवाज से कोई मतलब नहीं, और ये पहले से ही चला आ रहा है, लोग पहनते थे इसीलिए आज की पीढ़ी पहन रही है। अच्छा, आपके जो पूर्वज हैं पहले से, जो आपके बुजुर्ग हैं, वो लोग ऐसा करते थे और उसी चीज़ को आप फॉलो करते आ रहे हैं? जी, हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं और हमें भी अच्छा लगता है। जैसे कि आपने इस वक्त हरी लाल चूड़ियाँ पहनी भी हैं, मेहंदी भी लगी हुई है, चूड़ियाँ भी पहनी है, सब कुछ पहना है, हरे ऊपर से नीचे तक हरे ही हरे हैं। तो आप हमें बता सकती हैं कि ये हरी लाल चूड़ियाँ, जैसे आपने सीधे हाथ में हरी और उल्टे हाथ में लाल चूड़ियाँ पहनी, इसका भी कोई रीज़न है क्या? नहीं, रीज़न कुछ नहीं, अपनी मर्जी है, ये किसी में भी पहन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो आप अपने मन से ही ये जो मुझे तो अच्छा लगता है पहले से वो आप करते हैं? मुझे तो अच्छी लगती है पहनते हुए। तो आपके घर में सारी लेडीज लगाती हैं और सब पहनती हैं? शिव का महीना इसलिए कहा जाता है, शिव जो है ये पार्वती को इन्हीं दिनों में लेके आए थे सावन के महीने में जी, और उनने विवाह भी रचाया था इन्हीं दिनों में, और उनकी पूजा आराधना जो है इसी महीने में होती है पूरे महीने, जैसे हलवा है, पूरी है, खीर है, इनसे उनका भोग लगाया जाता है, और बेलपत्र है, धतूरा है, इससे उनकी पूजा होती है। कांवर ले जाने वाले कांवर भी लेके जाते हैं, और इसीलिए जो है पूरा महीना शिव का ही कहलाया जाता है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।